से आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, लास्ट वीक का एनालिसिस वाज नॉट अप टू द मार्क, मतलब उतना प्रॉफिट नहीं मिला जिससे कि मैं सेटिस्फाइड हो सकता था। एनालिसिस का मोटिव रहता है कि पूरा अल्टीमेटली टारगेट हिट हो तो मेरे को बहुत मजा आता है, बट इस बार नहीं हो पाया। लास्ट वीक मैंने बोला था निफ्टी या 17,500 के नीचे चल जाएगा तो हम लोगों को एक बड़ा करेक्शन मिलेगा, और 17,750 से 800 के करीब मिलता तो वहां पे हम लोग सेल करेंगे एंड हम लोगों को नीचे के टारगेट्स मिलेंगे। तो आप जैसे देखोगे लास्ट वीक जो था निफ्टी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो 5th ऑफ सितंबर को गैप डाउन खुला, वहां से रिवर्स कर गया। 6th ऑफ सितंबर को मेरे को एक रिवर्सल दिया, मेरे डिजायर्ड जोन पे जाके 70,788 का हाई किया, वहां से एक रिट्रेसमेंट दिया। एंड ऑन 7th ऑफ सितंबर इट मेड ए लो ऑफ 17,521, मेरे को मिला 260-70 पॉइंट निफ्टी में मिला, बट वो मजा नहीं है जो मजा एकदम टारगेट तक आता हुआ था 200-250 पॉइंट इज ओके, ठीक है। एंड बैंक निफ्टी में भी ऐसे ही 200-400 पॉइंट का ही सब्ड्यूड मूव मिला तो ओके, दैट इज ओके। मैंने बोला था कि 40,000 के ऊपर अगर ये चल जाएगा तो 41,000 समथिंग जाएगा, बट 40,600, 500-600 तक ये जाके मेरे को मिला तो इट्स ओके। कभी कभी एकदम एग्जैक्टली टारगेट अचीव नहीं होते हैं, बट चलो वी मेड सम प्रॉफिट, दैट इज मोर सेटिस्फेक्शन, दैट हैज मोर सेटिस्फेक्शन। तो दोस्तों बात करते हैं कि अगले हफ्ते निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या होने वाला है। तो दोस्तों निफ्टी में जैसे कि मैं वीकली ट्रेंड लाइन को इसको बहुत महत्व दे रहा था एंड डिसाइसिवली इसने आज इस वीकली ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज दिया एंड इट्स अ वेरी गुड कैंडल। जैसे पिछले बार इट वाज अ रिवर्सल कैंडल, बट इट इज अ वेरी गुड कैंडल एंड नाउ आई थिंक वी आर हेडिंग फॉर द हाइज ऑफ 18,370 इन द अपकमिंग वीक। तो दोस्तों नेक्स्ट वीक के लिए निफ्टी का ट्रेड प्लान रहेगा 18,370 विद द स्टॉप लॉस ऑफ, लेट मी क्विकली स्विच ऑन टू द डेली चार्ट एंड व्हाट द डेली चार्ट इज सजेस्टिंग। यस, नेक्स्ट वीक निफ्टी में अपना टारगेट 18,370, बस कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ 17,700। आप 866 या 900 के करीब एंटर कर तो 700 के नीचे का स्टॉप लॉस डालिए एंड राइड द ट्रेंड टिल 18,370 और लेवल जो मैंने आपको ये बताया। तो निफ्टी में नेक्स्ट वीक का ट्रेड प्लान अपना बुलिश रहेगा एंड वी कैन गो लॉन्ग इन निफ्टी। ओके, नाउ वी आर स्विचिंग ऑन टू बैंक निफ्टी। व्हाट्स बैंक निफ्टी सजेस्ट्स? जैसा कि मैंने पिछले बार भी बोला था कि बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट बहुत ही बुलिश है एंड इट्स अ मैटर ऑफ टाइम कि बैंक निफ्टी और तेज हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीक का बैंक निफ्टी का अपना टारगेट यही रहेगा कि ये जो लोज है 40,000, 40,000 के नीचे का स्टॉप लॉस रहेगा एंड बैंक निफ्टी इज हेडिंग फॉर 41,500 तो 41,700। डेली चार्ट में देखते हैं कि क्या लेवल है, 41,435 है तो बैंक निफ्टी 40,000 के स्टॉप लॉस पे लॉन्ग रही है बैंक निफ्टी में 41,400-500 के लिए। एंड आफ्टर दैट अगर ये लेवल जो है डिसाइसिवली ब्रेक होते देन वी विल एज फॉर हायर टारगेट। तो ये रहा निफ्टी और बैंक निफ्टी का ट्रेड प्लान। अब एक बार जैसे कि मैं हर वीक डाउ जोन्स को डिकोड करता हूँ तो लेट्स सी डाउ जोन्स क्या है। तो जैसा कि मैंने डाउ जोन्स में आपको वीकली सेटअप दिया था, डाउ जोन्स ने पूरा उस वीकली सेटअप के हिसाब से वर्क किया एंड नाउ आफ्टर टेकिंग ए सपोर्ट ऑफ दिस जोन्स डाउ जोन्स इज अगेन बाउंसिंग बैक। तो ये बाउंस हो सकता है अपने शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज 32,500 या मे बी इस लेवल 33,100 तक आए। तो वहां तक भी अगर डाउ जोन्स आता है तो नेक्स्ट वीक इट कैन गिव अप सपोर्टिव, इट कैन गिव अ सपोर्ट टू द निफ्टी कि ये अगर डाउ जोन्स नहीं गिर रहा है तो निफ्टी में भी बहुत बड़ा गिरावट या बैंक निफ्टी बहुत बड़ा गिरावट नहीं आएगा, इट विल गिव अ सपोर्ट टू द इंडाइसेस आल्सो। तो दोस्तों ये ट्रेड प्लान है मेरा निफ्टी और बैंक निफ्टी का नेक्स्ट वीक के लिए, जिसमें कि आप एकदम ये प्री डिफाइंड लेवल के हिसाब से काम कर सकते हो, यू कैन मेक गुड मनी आउट ऑफ इट। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और अगर इसको आप फॉलो कर रहे हैं कहीं कोई डाउट्स हो रहा है तो आप मेरे को पिंग करिए, मेरे को व्हाट्सएप करिए तो आई कैन क्लैरिफाई कि आपका डाउट्स कहाँ हो रहा है एंड आई कैन यू नो मेक यू अंडरस्टैंड अबाउट दिस टेक्निकल पैटर्न्स एंड द थिंग्स दैट आई गो ऑन टू इट। मैंने इसको बहुत ही सिंपल रखा है ताकि हर कोई समझ सके एंड एवरीबॉडी कैन इंटरप्रेट व्हाट आई एम सेइंग। ओके दोस्तों, हैव अ प्रॉफिटेबल अपकमिंग वीक। आशा करता हूँ कि नेक्स्ट वीक आप लोगों को बहुत सारा प्रॉफिट मिले। ओके दोस्तों, बाय, टेक केयर।